कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में इतना रुपया दिया है सड़कों के नाम पर कि जितना अभी तक कोई 50 साल में कोई भी राजनीतिक दल, कोई मुख्यमंत्री आजमगढ़ के लिए नहीं दिया था। विश्वविद्यालय दिया, एयरपोर्ट का विकास किया है, और जो सड़कें, आप भी शहर में रहते हैं, शहर की सड़कें जो यहाँ से माननीय विधायक हैं या समाजवादी पार्टी आज 10 सीट पाई, कभी 9 पाई, बसपा सपा में चलता रहा खेल, और शहरों की सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, तब भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे, वो उस बार भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 2017 में भी कहा, 2019 में भी कहा, 2022 में कहा, 2022 के बाई इलेक्शन में भी कहा आजमगढ़ में, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनका ख्वाब पूरा होने वाला है। अखिलेश यादव जी केवल चुनाव के समय PDA का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुझे तो लगता है कि वो केवल चुनाव में वोट के लिए इनको भुनाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए तमाम तरह के चक्र भी बन रहे हैं। इस आधार पे हम लोग कहते हैं कि अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का कोई, हमको लगता है कि वो नहीं है, इसी आधार पे हम लोग कहते हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी के रूप में जा रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ सौगातों की झड़ी लगाते हैं, तो कुछ आप लोगों को पता है, कुछ बातचीत हुई है कि क्या इसके अलावा और मिलने वाला है जिले को? मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने महायोजना को स्वीकृत करके जनपद को बहुत बड़ी सौगात दिया है, और भविष्य में ADA का विस्तार भी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई हैं, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं उस नारे को चरितार्थ करने के लिए वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल आजमगढ़ जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे मंदिरी हवाई अड्डे का और जो हमारा राजकीय विश्वविद्यालय है महाराजा सुहेलदेव का, इन दोनों का लोकार्पण करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए कल की क्या तैयारियां हैं, कल किस तरह से प्रधानमंत्री जी का इस जिले में स्वागत होगा, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ सदर विधानसभा से 2 बार के प्रत्याशी रह चुके अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि कल का दिन कितना बड़ा होने वाला है आजमगढ़ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आजमगढ़ में सौगातों की झड़ी लगने वाली है, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही है आजमगढ़ की तरफ से और आजमगढ़ को क्या मिलने वाला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कल 10 मार्च को 11 बजे पहुंचेंगे आजमगढ़, और मंदुरी एयरपोर्ट के सामने एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कल बहुत ही विशेष दिन है आजमगढ़ के लिए, क्योंकि सुहेलदेव विश्वविद्यालय के रूप में और जो बहु प्रतीक्षित जो हम लोगों की डिमांड थी एयरपोर्ट की, दोनों का उद्घाटन वो कल करेंगे। तो एयरपोर्ट का उद्घाटन और साथ ही साथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन, इसके अलावा भी जिले को कुछ सौगात मिलने वाली, क्योंकि अक्सर लोगों में ये चर्चा रहती, होता भी है कि जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां सौगातों की झड़ी लगाते हैं, तो कुछ आप लोगों को पता है, कुछ बातचीत हुई है कि क्या इसके अलावा और मिलने वाला है जिले को? देखिए, बहुत ही सड़कें हैं जो बहुत ख़राब थी और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी ने स्वीकृत किया है, और इस तरह की तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल होगा, और वो कल ही पता चल पाएगा कि कौन कौन सी सौगात प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं, वो कल उनके आने के बाद सब आपके सामने होगा। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्था हो रही है, और जनता को वहाँ पे बैठने के लिए बहुत भव्य पंडाल बनाया गया है, और हर तरह से कहीं भी कोई कमी ना हो, इसके लिए हम लोग बहुत ही, जनता में भी बहुत उत्साह है, गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाकर उनको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो विश्वविद्यालय की डिमांड थी और एयरपोर्ट की डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड थी, और इसको पूरा करने के बाद वो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहली जनसभा होगी कि जब कैंडिडेट का ऐलान हुआ है तो वो संबोधित करने आ रहे हैं।
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ की महायोजना की स्वीकृति भी की थी और आपने उसे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से शेयर भी किया था, तो उसमें क्या सौगात है, महायोजना होने से जिले के लोगों को क्या मिलने वाला है? देखिए, महायोजना बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था। लोगों को बहुत समस्या होती थी कि वो नक्शा अपना पास नहीं करा पाते थे और जो लैंड यूज था वो विभिन्न प्रकार का था, तो व्यक्ति परेशान होता था क्योंकि नक्शा पास होने के बाद उसको हर तरह का कि वो मकान बनाता है तो किसी तरह एकाक विश्वा जमीन खरीदता है। लेकिन मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने महायोजना को स्वीकृत करके जनपद को बहुत बड़ी सौगात दिया है और भविष्य में ADA का विस्तार भी होगा और ये पहला पार्ट अभी हुआ है और हमें लगता है कि ये काफ़ी दूर तक ये मोहम्मदपुर और जहानागंज, मुबारकपुर और इधर कप्तानगंज तक जाने वाला है और सीमा विस्तार भी होगा ADA का और ये महायोजना पार्ट टू के उसमें पुनः स्वीकृत होगी। दिनेश लाल जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, नीलम सोनकर जी को लालगंज से घोषित किया गया है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, पूरा माहौल चुनावी है, तो क्या लगता है आपको किस तरह का यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एनर्जी का काम करेगा प्रधानमंत्री जी का ये दौरा, खास करके आजमगढ़ को लेकर के अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर सत्ता तक जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाना है और अगर उत्तर प्रदेश से होकर के जाना है तो पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट जो है वो आजमगढ़ की है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और श्रीमती नीलम सोनकर जी को लालगंज से प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से जनपद वासियों के साथ साथ ये लोग भी भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले ही, यहाँ पर चुनाव घोषित होने से पहले ही अपना आशीर्वाद जनपद में देने आ रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों में भी बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्करों में बहुत ही उत्साह है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक अच्छी एनर्जी सबको मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का बहुत बार प्रयास किया जाता है लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने से यह 10 मार्च का कार्यक्रम देकर जनपद वासियों को एक बड़ी सौगात दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का दावा है कि अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ PDA के माध्यम से अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा के भेज सकती है। वहीं आजमगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये समाजवाद का गढ़ कहा जाता है, 10 विधायक हैं, हालांकि दिनेश जी यहाँ के सांसद हैं, साथ ही साथ विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी को लोग अक्सर कहते थे कि अगर बात होता था समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि जो भी विकास की एक एक ईंट है समाजवाद का नाम उस पर लिखा है। अब क्या परिवर्तन होगा इन दो बड़े प्रोजेक्ट के बाद, क्या भाजपा का यहाँ पे कमल उस तरह से खिलेगा जिस तरह से समाजवादी पार्टी की साखिल दौड़ती है? देखिए, 2014 में हम वसीम जी आपको बताएं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए तब भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे, वो उस बार भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 2017 में भी कहा, 2019 में भी कहा, 2022 में कहा, 2022 के बाई इलेक्शन में भी कहा आजमगढ़ में, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनका ख्वाब पूरा होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जी केवल चुनाव के समय PDA का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मुझे तो लगता है कि वो केवल चुनाव में वोट के लिए इनको भुनाने का काम करते हैं और कहीं से भी हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 4-5 सीटें प्राप्त कर पाई थी, उसके परिवार के लोग ही जीते थे, लेकिन हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी के रूप में इस बार हो जाएगी। यही दावा सांसद दिनेश लाल जी भी करते हैं कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, आप लोग कैसे ये तय कर लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देते हैं जिससे आप लोग समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं? और निरहुआ जी जो जैसा दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी को मैं हरा करके भेजूंगा चाहे जहां से लड़ें, और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैक्टर बताया कि 2019 में बसपा का गठबंधन था, अब नहीं है, बसपा का वोट भी हमें मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो, जो हमारी पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का नारा। हमारे यहाँ कोई जात पात धर्म नहीं है, हम कोई धर्म की राजनीति नहीं करते और ये अखिलेश जी को इसलिए मैंने ये कहा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन किए थे तो उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन उनकी क्या स्थिति रही लोकसभा के चुनाव में, किस तरह से वो परिवार के लोगों कि ही सीटें बचा पाए, उसमें भी उनके परिवार के लोग भी चुनाव हार गए थे, उसी आधार पर कि वो 14, 17, 19, 22
सब बार वो ये कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए तमाम तरह के चक्र भी बन रहे हैं। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का कोई हमको लगता है कि वो नहीं है, इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि अब वो समाप्तवादी पार्टी के रूप में जा रहे हैं। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ आपसे, अब दो बार आपने भी पार्टिसिपेट किया चुनाव में, सदर के कैंडिडेट रहे, बड़ा अच्छा आपने चुनाव लड़ा, स्वच्छ छवि के नेता हैं, सभी लोग आपको पसंद करते हैं, चुनाव हारना जीतना तो अपना एक अलग का विषय है। क्या आपको लगता है कि 24 के बाद जिस तरह से मोदी जी दावा कर रहे हैं तीसरी बार अगर सत्ता में आ गए और जो काम आजमगढ़ में हो रहे हैं लोगों के लिए, चाहे एयरपोर्ट का हो चाहे विश्वविद्यालय, शिक्षा का एक बड़ा मामला है, वर्षों से मांग चली आ रही थी राजकीय विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय की, वो अब जाके पूरी हो गई, तो आपको लगता है कि 27 में ये सारी चीज़ें आजमगढ़ के सपा के गढ़ में भी ये फैक्टर काम करेगा और भाजपा का कमल खिलेगा यहाँ? देखिए, कुछ कारण थे कि 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन 100 सीटों का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी मत में वृद्धि हुआ था, और आजमगढ़ में जो विकास हुआ है, विश्वविद्यालय दिया, एयरपोर्ट का विकास किया है, और जो सड़कें, आप भी शहर में रहते हैं, शहर की सड़कें जो यहाँ से माननीय विधायक हैं या समाजवादी पार्टी आज 10 सीट पाई, कभी 9 पाई, बसपा सपा में चलता रहा खेल, और शहरों की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी। आज आप शहर में भी जाएंगे तो सारी सड़कें, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में इतना रुपया दिया है सड़कों के नाम पर कि जितना अभी तक कोई 50 साल में कोई भी राजनीतिक दल, कोई मुख्यमंत्री आजमगढ़ के लिए नहीं दिया था। इन आधार पर लोगों को स्वच्छ प्रशासन देने का काम, लोगों को सुरक्षा देने का काम, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम, किसानों को सारे तरह की सुविधा देने का काम ये हमारी सरकार की है। इन्हीं आधार पर यही आजमगढ़ है जहाँ हम बिजली देखते थे कि बिजली कब आएगी और कितने देर तक नहीं रहेगी, आज हम 18 घंटे देहात में ज़्यादा ही मिल रही है और शहर में 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो इस आधार पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता इस बार प्राप्त होगी। महंगाई लोगों का एक बड़ा मुद्दा है सर, इस पर क्या कहेंगे, खास करके जैसे साग सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम में भी बढ़ोतरी है, और बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बार बार विपक्ष आंदोलित हो रहा है, कटाक्ष कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, तो कहीं लगता है कि ये चुनाव में ये बड़ा फैक्टर साबित होगा जो बीजेपी के अगेंस्ट में जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार देने का, तो पुलिस की जितनी बड़ी भर्ती पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, शिक्षकों की भर्ती किया, सारी चीज़ों की सत्ता तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में रहा है, और एक टर्म 2017 से 2022 अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी थे, लेकिन जिस तरह की पारदर्शी भर्तियां करने का काम उन्होंने किया था, अभी पुलिस की भर्ती हुई, थोड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह लगा तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस भर्ती को भी निरस्त कर दिया। तो हम एकदम निष्पक्ष रूप से और बिना किसी लाग लपेट के नौजवानों को रोजगार देना, नौकरी देना, इन सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। हमें नहीं लगता कि कोई भी जो नौजवान है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी हमारी सरकार को एक साल, इधर 2 साल हो गया है, और हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें आने वाले समय में और अच्छी भर्तियां और पारदर्शी भर्तियां ले आकर नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। सर, आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपसे पूछी, क्योंकि आप सीधा सरकार से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हो गई, पेपर लीक वगैरह हो गया, पेपर लीक को लेकर के बड़ा हमला बोल रहा है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे, और कह रहा है कि जिस प्रदेश में परीक्षा से पहले उत्तर आ जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, छात्र छात्राएँ बड़ा परेशान होते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है जब एक छोर से दूसरे छोर पर वो जाते हैं एग्ज़ाम देने, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं उन तमाम छात्रों को जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि भविष्य में उनके साथ ये सारी चीज़ें ना हो? देखिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भरोसा दिलाया है और नौजवानों को पूरी तरह से भरोसा दिया है, और निष्पक्ष भर्ती के लिए ही भर्ती को निरस्त किया है। अगर कहीं भी कोई संशय रहता जी तो ये भर्तियां निरस्त नहीं करते मुख्यमंत्री जी, इसलिए नौजवानों को संतुष्ट भी किया उन्होंने,
उम्र की भी बात आई थी कि इतने साल तक भर्तियां नहीं हुई और इस तरह से नौजवानों की उम्र जा रही, तेजी से फैसला लिया सर, उसको भी लिया। तो जो फैसले हैं वो क्विक होते हैं, फास्ट लेते हैं मुख्यमंत्री जी। तो पूरी उम्मीद है, नौजवानों को भी पूरा विश्वास है कि योगी जी पर पूरा भरोसा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक नौजवानों के साथ कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। चलिए सर, कल के कार्यक्रम से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ। एक तरफ बनारस में स्वयं प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और गोरखपुर जो है, दोनों ही मेट्रो सिटीज़ की दूरी जो है 100-100 किलोमीटर के आसपास है। बीच में एकदम आजमगढ़ केंद्रित है। दोनों बड़े नेता, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे देश के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम मंत्री रहेंगे, कैबिनेट पूरी मुझे लगता रहेगी, उत्तर प्रदेश के भी बड़े मंत्री रहेंगे, केंद्र से भी कुछ लोग आ सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक नहीं है, जिसकी वजह से जो विकास बनारस में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, जो विकास गोरखपुर में हो रहा है, उस तरह का विकास आजमगढ़ में नहीं हो पा रहा है। देखिए, आजमगढ़ में विकास तो आप देखिए, रोडों जो भी 4 लेन, इसके अलावा सर जो हुआ है, उसके अलावा 6 लेन के हब है, और भविष्य में जो आपका ये 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके किनारे भी कॉरिडोर लेके आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और बराबर लगातार किस तरह से आजमगढ़ में काम किया जाए, क्योंकि आजमगढ़ बराबर पिछड़ा रहा। जो पीछे की सरकारें थीं उसने कुछ किया नहीं, केवल नाम बताते कि मतलब जो उपयोगी चीज़ें थी कि ये करने से, अब कमिश्नरी आपने घोषित किया तो कमिश्नरी की बिल्डिंग तो बनेगी, तो आप कहते रहे कि नहीं ये काम मैंने ईट रखा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम विश्वविद्यालय की ही बात करेंगे तो इन्हीं सरकार के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने सदन में कहा था कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय कोई आवश्यकता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय दिया। जो भी ज़रूरतें हैं उसको बहुत ही बारीकी से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चूँकि गोरखपुर और आजमगढ़ से उनका बहुत ही गहरा लगाव रहा है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरह से आजमगढ़ के बारे में सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो सत्र है, सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें लगभग पूरी हो जाएंगी। सत्ता दल का कोई विधायक होता यहाँ से तो क्या चीज़ें और आसान होती, जैसा गोरखपुर में हो रहा है, बनारस में हो रहा है? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के बाद बात रखने में आसानी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर अपने जो भी बातें रहती हैं वो अपने शीर्ष तक बहुत ही धड़ल्ले से पहुंचाता है, तो ये ऐसा कोई समस्या नहीं है। और निरहुआ जी हम लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनके माध्यम से, और स्वयं हम लोग जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्हीं को विधायक मानकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कर भी रही है। जो चीज़ें हैं उसको ठीक से धरातल पर लाने का काम चल रहा है। हमें नहीं लगता कि जो चीज़ें उम्मीद हैं वो अधूरी रह जाएंगी, वो सारी चीज़ों को पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की दोनों डबल इंजन की सरकारें पूरा करेंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा हो, कोई प्रस्ताव लेके गए हो कि नहीं चलिए अखिलेश जी, आपको तो जनता ने नहीं ये मौका दिया, आप क्यों जनता के लिए परेशान होते, ऐसा कभी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मैंने आजमगढ़ अपने सदर में 16 सड़कों का प्रस्ताव दिया था, और मैं अगर मेरा घर था तो मैंने 16 सड़क वहाँ भी दे दिया, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद रहा कि 3200 सड़कों को उन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, आप पता करिएगा, तो सारा स्वीकृत भी किया उन्होंने, और सारी सड़कों पर हमको लगता है कि सारी सड़कें बनकर तैयार होकर चलने लायक बन चुकी हैं, और नाबार्ड से वो काम सब पूरे हुए थे। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय का जो मांग थी वो मैंने ही सठियाँ चीनी मिल में अपने ही लेटर हेड पे सारे जनप्रतिनिधियों सिग्नेचर करा के दिया था, वो भी पूरा हुआ। महायोजना के लिए मैंने पूरी, चूँकि मैं यहीं सदर से चुनाव लड़ता हूँ, तो जब जब महाराज जी मिले आए थे, जब हरिहरपुर, तो मैं भौरनाथ में 5 मिनट तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया, मैं उनसे वार्ता करते रहा कि महाराज जी महायोजना किसी तरह पूरी होनी चाहिए, उसको भी उन्होंने पूरा किया है। तो मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ और यहाँ की जनता को भी भाग्यशाली मानता हूँ कि महाराज जी से जो भी हम लोग चाहते हैं वो कर देते हैं।
चलिए, हमने बातचीत किया प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी से और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हम बातचीत की। कल प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के जो घोषणाएं होनी है, लोकार्पण होना है, उसके बारे में भी हमने बात किया। युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों का भी हमने मसला उठाया। महंगाई के बारे में भी आपसे बातचीत की। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि कल प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूर्व आपको क्या उम्मीदें हैं, कि उनके पिटारे में क्या होगा आज़मगढ़ की जनता के लिए, क्या यहाँ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर कभी हम आपसे बात करें और जो जनता की समस्याएँ हैं या जो जनता की मांग है वो आपके माध्यम से शासन सत्ता तक पहुँचाने का काम करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।